पुलिस महानिदेशक के निर्देशों पर बाड़मेर पुलिस ने जिले में ऑपरेशन वज्रघात चलाकर बदमाशों की नींद उड़ा दी है, जिसके तहत बालोतरा सीओ सर्किल में देर रात से ही पुलिस ने बदमाशों की धरपकड़ के लिए ऑपरेशन वज्रघात चलाकर 100 से ज्यादा स्थानों पर दबिश दी। इस कार्रवाई में 12 संदिग्ध वाहन जब्त करने में भी सफलता हासिल की, साथ ही 91 अपराधियों को भी गिरफ्तार किया गया। बालोतरा सीओ नीरज शर्मा ने बताया कि पुलिस अधीक्षक दिगंत आनंद द्वारा ऑपरेशन वज्रघात के तहत कार्रवाई करने के निर्देश मिले हैं। उसी कड़ी में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एक देसी पिस्टल को भी बरामद किया है। ऑपरेशन वज्रघात के दौरान पुलिस ने 71 किलो 500 ग्राम अवैध डोडा पोस्ट के साथ एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया। उन्होंने कहा कि पुलिस ने ऑपरेशन वज्रघात के तहत हिस्ट्री सीटर, माफिया व आतंक अपराधियों का धरपकड़ शुरू किया है। इससे पूर्व पुलिस ने सैकड़ों बदमाशों को चिन्हित भी किया। श्रीमान आईजी साहब के निर्देश अनुसार और श्रीमान एसपी साहब के आदेश अनुसार ऑपरेशन वज्रघात चालू किया गया था, जिसके पूरे सर्किल में 91 हम लोगों ने अरेस्ट किए, जिसमें दो प्रकरण है NDPS और आर्म्स एक्ट में दर्ज किए गए हैं, स्थायी वारंट 6 है और कुल मिलाकर के 91 व्यक्ति अरेस्ट हुए। इसी दौरान थाना बालोतरा के द्वारा एक कार्रवाई आर्म्स एक्ट में की गई है, जिसमें इमरान सनोफ फरीद को एक देसी पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया गया है, जो हिस्ट्री सीटर सिराजुद्दीन उर्फ शेरिया का भाई है। और जसोल थाने के अंतर्गत एक NDPS की कार्रवाई की गई, जिसमें 71 किलो 500 ग्राम डोडा जब्त किया गया है और इसमें मुलजिम भूरा राम सनोफ कृष्णा राम देवासी को मौके से अरेस्ट किया गया। बालोतरा पुलिस उपाधीक्षक ने कहा कि ऑपरेशन वज्रघात चलाकर पुलिस कार्यवाही कर रही है। पूरे सर्किल के जितने भी वांछित बदमाश हैं उनको चिन्हित किया गया है। उसके बाद 100 से ज्यादा पुलिस टीमें गठित कर उनके ठिकानों पर छापेमारी कर कार्यवाही की गई, जिसके तहत 91 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया।